तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रताल झील के बारे में। ये झील है हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति नाम की जगह पे। ये झील बहुत ऊंचाई पे है यार, सोचो समुद्र से 4300 मीटर ऊपर। यहाँ का पानी नीला है, एकदम साफ, और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। क्या खूबसूरत नजारा होगा। चंद्रताल झील ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए बेस्ट जगह है। चलो जानते हैं इस अमेजिंग झील के बारे में कुछ जरूरी बातें। पहले तो लोकेशन, चंद्रताल झील है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में। ये कुंजम दर्रे के पास है और स्पीति घाटी में बहने वाली चंद्रा नदी के पास भी। दूसरा, नाम का मतलब, चंद्रताल मतलब चंद्रमा की झील, क्योंकि इसका शेप भी चंद्रमा की तरह है, अर्धचंद्राकार। तीसरा, प्राकृतिक सुंदरता, चंद्रताल झील फेमस है अपने नीले और कभी कभी हरे पानी के लिए, क्योंकि इसका कलर बदलता रहता है। कैसे? आसमान और पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, इसलिए चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे मैदान इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। झील के पास आपको कलरफुल फूल और हरे भरे मैदान दिखाई देंगे। वाह, क्या नजारा होगा। ट्रेकिंग, चंद्रताल झील जाने के लिए आपको मनाली या काजा से कुंजम दर्रा जाना होगा। रोड से कुंजम दर्रे से झील तक लगभग 14 किलोमीटर का ट्रेक है, जो बहुत ही अलग और रोमांचक है। ट्रेकिंग करते हुए आपको बहुत सुंदर नजारे दिखेंगे, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर भी देखने को मिलेंगे। पर्यटन और कैंपिंग, चंद्रताल झील बहुत फेमस है टूरिस्ट्स में। खासकर उन लोगों को ये जगह बहुत पसंद आती है जिन्हें ट्रेकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का शौक है। झील के पास बहुत सारे कैंपसाइट्स हैं जहां आप रात गुजार सकते हैं और रात को तारों से भरा आसमान देख सकते हैं। झील के किनारे बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक अद्भुत अनुभव है। मौसम, चंद्रताल झील में साल भर ठंड रहती है। गर्मी में यानी जून से सितंबर तक यहाँ का तापमान 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये समय घूमने के लिए सबसे अच्छा है। सर्दियों में यानी अक्टूबर से मई तक यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है, जिससे झील तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, चंद्रताल झील का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ के लोग इसे पवित्र मानते हैं और मान्यता है कि ये झील यक्षों की भूमि है। कई धार्मिक कहानियों के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान युधिष्ठिर इसी झील के पास